अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे हाउ टू रिपेयर योर टैप। टैप यानी कि आपका नल का, मान लीजिए कि ये आपका टैप एक ये लगा हुआ है और एक दूसरा टैप ये है, तो आपको दो ही तरीके के मोस्टली आपको टैप मिलेंगे। प्रिंसिपल दोनों का एक है, लेकिन हम देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। मान लीजिए आपका टैप लगा हुआ है, आपका यहां से आप टाइट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पानी यहां से लीक कर रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बॉल वाल्व को बंद करेंगे ताकि पानी की सप्लाई लाइन यहां से बंद हो जाए। अब हम इस नलके को, टैप को खोलेंगे। अब हम इसको खोल के भी अलग कर सकते हैं और बिना खोले भी अलग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इसको नहीं खोला है और ये ऐसे का ऐसा ही लगा हुआ है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें ट्राई करेंगे कि हमें इसको खोलने की जरूरत ना पड़े। अब ये आपके पाइपलाइन में लगा हुआ है। अब इसपे खोलने का सबसे पहला जो तरीका होता है, ये जो ऊपर एक कैप लगी है, इस कैप को आपको स्क्रू ड्राइवर से, आपको ऐसे फ्लैट स्क्रू जो है उससे आपको इसको खोल के ऐसे निकालना है। ये आपकी कैप बाहर निकल गई। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक स्क्रू है, इस स्क्रू को अब हमें खोलना है। ये हमने इसको स्क्रू को खोल दिया। ये स्क्रू को खोलेंगे आप तो ये आपका ये बाहर निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका कुछ कुछ ऐसे जैसा ही है। अब इसमें ये जो आपका पोर्शन है इसको खोलना है। अब इसको खोलने के कई तरीके हैं, या तो मैं इसको आपके फ्लेक्सिबल रेंच से भी खोल सकता हूं, लेकिन इससे बहुत ताकत लगानी पड़ सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास में क्या चीज है। मैं इसको स्पैनर से खोलता हूं। ये मैंने इसको स्पैनर से खोल दिया। अब मैंने इसको जब स्पैनर से ये खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने पहले डायग्राम देखा था, तो ये आपकी वॉशर है। ये रबड़ की वॉशर होती है, ये आप देख सकते हैं ये रबड़ की वॉशर है। और इसी के कारण ये रबड़ जो होता है, ये कई साल जब हो जाते हैं इसको, कई महीने या साल, तो ये सख्त हो जाता है, ये सख्त हो जाता है, और या इसकी शेप बदल जाती है, और ये नीचे प्रॉपरली सीलिंग नहीं करता है। जब आप घुमाते हैं तो प्रॉपरली टाइट नहीं होता है। हमें इसको जाके मार्केट में इसको दिखाना है, और तब वो आपको मार्केट में जो हार्डवेयर वाला है वो आपको इस वॉशर को देगा, यही वॉशर आपकी फिट होगी। मैंने आपको कहा था कि कई सारी वॉशर अलग अलग होती हैं। अब हमने इस नलके की वॉशर देखी है, अब हम इस नलके की वॉशर देखेंगे। इस नलके में आप देखेंगे टैप में, तो आज में आपको दो आपको यहां पे स्क्रू नजर आ रहे हैं। एक ये ऊपर वाला स्क्रू है, ये वाला, और एक ये नीचे ये वाला स्क्रू है, ये। तो ये ऊपर वाले स्क्रू का कोई काम नहीं होता है, हमें नीचे वाला स्क्रू को खोलना है। इस पे भी इसको हम स्पैनर से खोल सकते हैं। ये हमने इसको स्पैनर से खोल दिया। अब इसको खोलने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये भी ऐसे बाहर निकल गया। इसके नीचे यहां पर कुछ नहीं नजर आ रहा आपको, इसका मतलब है वॉशर इसके अंदर रह गई है। अब मैं इसको वॉशर को निकालता हूं। आप देख सकते हैं ये इसकी वॉशर है। इस वॉशर और इस वॉशर में आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है। ये कुछ अलग तरीके की है और ये अलग तरीके की है, इसलिए मैंने कहा था पिछले आपके चैप्टर में कि आप पहले वॉशर को निकालें और ये आप हार्डवेयर वाले के पास में लेकर जाएं, वो आपको फिर वॉशर देगा, वही वॉशर आपकी फिट होगी। ये आपको वॉशर चेंज करवानी है, ये सिर्फ बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है, कुछ 10 रुपए के अंदर आ जाएगी। ये आपको वॉशर नहीं लाएंगे आप, इस वॉशर को आप दोबारा फिट करेंगे और इसको आप फिर दोबारा से इसके अंदर डालेंगे और आप इसको स्पैनर से टाइट करेंगे।
टाइट हो गया। अब आप इसके ऊपर ये कैप लगाएंगे और उसके बाद में आप ये इसका स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू को टाइट करने के बाद में अब आपको इसके ऊपर फाइनली कैप लगानी है। ये कैप सिंपल आप इसको पुश करेंगे, आप चाहें तो इसको हल्का सा टैप कर सकते हैं इसके ऐसे। प्लास्टिक वाले से करिए, लोहे से मत करिए, नहीं तो यहां पर निशान पड़ जाएगा। प्लास्टिक वाले पार्ट से इसको हल्का सा टैप करिए, यानी कि इसको थोड़ा सा धक्का मारिए, तो ये आपका अब ये आपका टैप सही काम करेगा, इसमें यहां से लीकेज नहीं होगी। इसमें भी यही काम है, हमने इसकी वॉशर निकाली है, अब इसमें एक नई वॉशर डालेंगे। ये एक नई वॉशर है, आप इसका साइज देख सकते हैं, ये अलग सी शेप है और जो हमने इसकी देखी थी वो अलग सी शेप थी। अब हम इसको वॉशर को इसके अंदर हमने यहां पे फिट कर दिया, अब हम इसको इसके ऊपर अंदर डाल देंगे और इस थ्रेड को टाइट कर देंगे। इसको आप बाद में स्पैनर से टाइट कर सकते हैं, ये आपने टाइट कर दिया। अब ये आप इसको पूरा टाइट करेंगे तो आपका पानी निकलना, यहां से निकलना, लीक करना बंद कर देगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, पहले आप अपने टैप को सप्लाई लाइन बंद करेंगे, टैप को खोलेंगे, उसमें से वॉशर निकालेंगे, वो वॉशर आप ले जाकर हार्डवेयर वाले को दिखाएंगे, वो आपको नई वॉशर देगा, दोबारा से वॉशर डालिए, इसको फिट करिए, उसके बाद में आप अपनी सप्लाई लाइन खोल सकते हैं। आप देखेंगे तो आपका टैप जो है वो अब लीक नहीं करेगा।